नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर 67 छात्र कैसे टॉप कर गए, एक ही संस्थान से 6 टॉपर कैसे हो गए, समय से पहले आखिर रिजल्ट क्यों घोषित कर दिया गया, साथ ही ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिया गया। ये ऐसे सवाल हैं जो एनटीए से पूछे जा रहे हैं। हालांकि इन सब सवालों का जवाब एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया है और एनटीए के जवाबों को भी बताया है। लेकिन नीट एग्जाम के विवाद के बीच यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने इस पूरे घटनाक्रम पर वीडियो बनाया है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर कोचिंग सेंटर्स को आड़े हाथों लिया है। विवेक बिंद्रा ने अपने वीडियो में कहा है कि बिना फैक्ट्स जाने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने से नुकसान सिर्फ छात्रों का है। कोचिंग सेंटर्स सिर्फ इस मुद्दे को अपने पर्सनल गेन के लिए बढ़ा रहे हैं, जिससे एग्जाम दोबारा हो और उनके क्रैश कोर्स की बिक्री हो। वहीं 67 छात्रों के टॉप करने पर कहा कि ये एनटीए की कोई गलती नहीं है, बल्कि एनटीए के ऑफिशियल्स की ह्यूमैनिटी है, जो उन्होंने ह्यूमन ग्राउंड्स पे कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए हैं। उन्होंने एनटीए का बचाव करते हुए कहा कि सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अगर सरकारी एजेंसी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है तो हम उन्हें वापिस से रूढ़िवादी होने के लिए ढकेल रहे हैं। बिंद्रा ने वीडियो में आगे कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, वो बच्चों के हक में फैसला देगा। फिलहाल कोर्ट ने परीक्षा की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 बच्चों को दोबारा एग्जाम कराने का निर्देश दिया, जो एक सही फैसला है। लेकिन लोग इस फैसले के भी खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। लोगों को भी समझना पड़ेगा कि खुद सरकार मामले की गंभीरता को समझ रही है, तभी मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में गया है। और इस तरह के बयान देने से जो 24 लाख बच्चे अपने भविष्य की आस में हैं, वो भी डिप्रेशन में आके कोई गलत कदम न उठा ले। ये मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर विवेक बिंद्रा का इस पे अपनी राय थी। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।